हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे बिना किसी झंझट के परफेक्ट मीठी बूंदी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हमने गैस पर एक फ्राइंग पैन रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बाउल शुगर, और अब हम उसी बाउल से, जिस बाउल से हमने शुगर ली है, उसी बाउल से एक बाउल इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसको ऐसे ही चलाते हुए एक उबाल आने तक पकाएंगे। एक उबाल आ चुका है चाशनी में। अब हम चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें तार बनना शुरू नहीं हो जाता और ये थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो चलिए इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। चाशनी को पकते हैं, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इससे बूंदी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी ऑरेंज कलर। ये मैंने यहाँ पर पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है। ये 2 तरह से आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर ऐड करिएगा। तो हम यहाँ पर बूंदी में बहुत अच्छा कलर लाने के लिए कलर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ऑरेंज कलर की जगह आप यहाँ येलो कलर की भी बूंदी बना सकते हैं। को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीजें हो गई हैं मिक्स अच्छे से। अब हम थोड़ी सी चाशनी लेकर इसको चेक कर लेंगे अपनी उंगलियों से। ये देखिए, इसमें तार बनना भी स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी है। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने रायता बनाने वाली फीकी बूंदी ली हुई है। मसाले वाली बूंदी का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। इनको थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते जाएंगे। बूंदी का मैं यहाँ पर 1.5 बाउल यूज़ करूँगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब मगज, इनको तरबूज के बीज भी बोलते हैं। ये यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना इसको स्किप कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी बूंदी अलग अलग होके तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और बूंदी को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब हम थोड़े से बूंदी पे गार्निश कर लेते हैं पिस्ता, जो हमने लंबे टुकड़ों में काट कर लिया हुआ है। फ्रेंड्स, अब हमारी बिना झंझट की और कम समय में बनने वाली दानेदार बूंदी बनकर एकदम तैयार है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? इसी के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।